उसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊ बुढ़िया नानी नमस्ते। मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? नौकरानी के लिए? लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई और बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं। तुम्हें तो अपना काम भी ठीक से करना नहीं आता होगा, तो तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन पूसी बिल्ली बहुत चालाक थी, आवाज को मीठा बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है ना? वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी है, पूरी 100 है। गिन कर मैं ही चलाती हूँ और मैं ही गिन कर बंद कर। विश्वास न हो तो मेरे घर चल कर देख लो। एक तो पूसी बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरे बुढ़िया काफी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और पूसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दरबे में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पूसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिनों से भागते दौड़ते बेचारी थक गई थी तो उसे नींद भी आ गई। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे पूसी की इस हरकत का कुछ भी पता न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक पूसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती? अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि मुर्गियां अब उनके आहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को पूसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दरबे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दरबे में 20-25 मुर्गियां ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने पूसी बिल्ली से पूछा, क्यों रे पूसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? पूसी बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं। तो वो ये शरारती मुर्गियाँ, बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया, अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी भीड़ कैसे हो गई है। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया आने गया तो बस। ऊपर पहुँच कर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो नहीं मिली, मिली सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत पूसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहाँ सिर पकड़ कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों न मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर लूँ। ये सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। पूसी बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पर दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी।